हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस लेसन में हम दादरा ताल देखेंगे। इससे पहले दादरा ताल का एक लेसन हुआ और उसमें हमने देखे थे विलंबित दादरा। मतलब धग का एक बहुत ही खूबसूरत प्रयोग था ना। उसमें तीन वेरिएशन मैंने बताया था, धग धिन ना, मतलब धग, और फिर धग धिन नाना, और उसके बाद धग धिन्ना तेरिकेट, धग धिन्ना तेरिकेट, ये था। ठीक है, आज हम बात करेंगे चलन वाला दादरा। जैसे ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, इसमें जो दादरा बजता है उस दादरे, मतलब रेगुलर जो दौड़ता हुआ दादरा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसकी खूबसूरती देखेंगे कि वो किस तरह से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अच्छा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मुझसे सीखना है तो, और मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अगर पसंद आए तो। थैंक यू। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक, अब चलन वाला जो दादरा है वो अब ये वाला है। तो देखो, ये इसमें मैंने अभी इसी में कुछ कुछ बहुत सारे वेरिएशन मैंने यही बजा दिए। यही वाला दादरा हमको सीखना है। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे धनना और नाना, लास्ट वाला। मतलब हम जब शुरू करते हैं, तो ये धाधा धिन्न धिन्न, तो नाना का प्रयोग, नाना का किस तरह से प्रयोग होता है, धना धनना, है ना, धनना धिन्न धिन्न, धनना धिन्न धिन्न। तो धना तिन्न नग धिन्ना, मतलब शुरुआत में भी नाना होता है धनना, और नग धिन नाना लास्ट में भी नाना आ रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत दादरे का एक स्वरूप है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो धा धा तिन नग धिन नाना, ये वाला पार्ट आप तैयार कर ही लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसी में सारे वेरिएशन है। और धा धा तिन नग धिन नाना, ये मूल मतलब संगत का दादरा है। धा धा तिन नग, ठीक है, जो दादरा जो बजता है, जो शुद्ध रूप धा धी ना धा धी ना, लेकिन जब ये रेगुलर जो दादरा का रूप लेगा तो क्या बजा, धा धा तिन। ठीक, जो जो मैं बोल बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझ ले। धा धा, नग धिन्ना, नग धिन्ना, धा धा तीन हो गया, फिर नग धिन्ना बजाना है आपको। वेरी सिंपल, धा धा तीन, फिर नग धिन्ना, है ना, वेरी इजी। धा धा तीन नग, अब नग धिन्ना में आपको जोर देना है, नग धिन्ना, धीमी गति में देखिए ये चलन। और इसके बाद धनाना और नाना वाला मैं बताने वाला हूं। तो ये देखिए, धा धा तिन नग धिन, नग धिन नाना, है ना। तो अब रेगुलर फिर से देखिए धीमी गति में, धा पीछे खींचे, धा तिन नग धिन ना, ठीक है, फिर से देखो, धा धा तिन नग। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, इसी लय में, धा धा तिन नग। अब जब धीरे धीरे जब लय बढ़ाते जाएंगे तो देखो उसका स्वर ना तक पहुंच गया, तो नाना कर दो, इन्हें नाना डबल कर दो,
ठीक है। अब धनना तिन, है ना। अब धनना तिन, धनना तिन मतलब धनना, ये बजेगा, है ना। अब फिर से देखो बहुत धीमी गति में, धा धा तिन, फिर ना ग धिन ना। ये संगत का मूल स्वरूप, इसका संगत का मूल स्वरूप। कई लोग अलग टाइप से भी बजाते हैं, लेकिन अगर आप ये बजाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ ये प्रोफेशनल एक तरीका, दादरा का प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूं मैं। कई लोग ढोलक बजा के और दादरा पकड़ते हैं तो वो अजीब सा दादरा लगता है, एकदम फ्लैट लगता है, एकदम उसमें कोई खूबसूरती मुझे नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मूल स्वरूप है ये बिल्कुल तबले का है। बहुत सारी बात करते रहेंगे। मैं फिर से धीमी गति में एक बार फिर से मैं बता देता हूं, कुछ दादरे को लेकर हम अभी चलने देंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। कुछ लेसन्स में दादरे के और भी डालूंगा, तो क्या है कि आप लोगों के लिए एक पुख्ता लेसन तैयार हो जाएगा दादरे का, कि दादरे का प्रयोग हम कैसे करें या जब भी दादरे की बंदिश आएगी तो हम उसमें कैसे बजाएं। तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही शुरू करना है। शुरू में ये आप जानते ही हैं, ये ढोलक में भी सेम बजता है, तबले में भी सेम बजता है, यही चीज, इसमें कोई अंतर नहीं है, यही है। तीन बार ये क्लैप होगा, मतलब तिन नगधिन्ना। अब देखो मैं बोल भी वही बोल रहा हूं, धा धा तिन नगधिन्ना, धा धा तिन नगधिन्ना, धा धा तिन नगधिन्ना। अब धीमी गति में धा धा तिन ना ग धिन ना, बस इतना ही है, इतना कर लीजिए आप, जरूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना, और नया आपको लगेगा। धन्यवाद, बस आज के लिए इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों में, दादरा के बारे में। धन्यवाद।